ग्रीटिंग्स एवरीवन, दिस इज आरती जिंदल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल बटन को हिट कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस अपडेट मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जो कि है वर्ब एंड इट्स टाइप्स। पार्ट वन वी हैव डन, सो दिस इज द पार्ट टू एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फाइनाइट वर्ब्स। So let us first of all recapitulate in a very hurry that what are finite verbs। So finite verbs main verb hoti hai sentence ki and ye wahi verb hoti hai jo ki tenses ke accordingly ya number of person ya people ke accordingly apne aap ko change kar leti hai, right? So chaliye ab hum start karte hain finite verbs। So iski total three main sub parts hote hain। So first of all is, first part is principal or it is also known as lexical ya fir main verb। So ye finite verb ki first part hai। So a principal verb is the verb that provides information and is used to express action। It functions as the main verb of the sentence or a clause। So principal verb वो verb होती है जो कि कुछ information देती है और action को represent करती है। मीन्स हमें बताती है कि कुछ कार्य हो रहा है, इस कार्य के होने के बारे में बताती है और ये सेंटेंस की मेन वर्ब होती है। एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक पुस्तक दी। इसमें कार्य हुआ देने का, इसीलिए गेव जो कि गिव की पास्ट फॉर्म है यहाँ पर एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, सो इसीलिए इस सेंटेंस की ये मेन वर्ब है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ही टोल्ड मी अ स्टोरी, उसने मुझे एक कहानी सुनाई। इसके अंदर कार्य हुआ सुनाने का, इसीलिए टोल्ड जो कि टेल की पास्ट फॉर्म है इस सेंटेंस की मेन वर्ब है, क्योंकि ये फाइनाइट वर्ब है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज कर सकती है और यहाँ पर एक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं। द चाइल्ड वीप्स, बच्चा रोता है। इसमें कार्य हो रहा है रोने का, इसीलिए वीप इस सेंटेंस में वर्ब है, इस सेंटेंस की मेन वर्ब है। अब फोकस करते हैं लिंकिंग वर्ब या कॉपुलर वर्ब भी जिसे हम कहते हैं। तो ये फाइनाइट वर्ब्स की सेकेंड पार्ट है। सो अ लिंकिंग वर्ब कनेक्ट्स द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस टू अ वर्ड और अ फ्रेज एंड गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। सो लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट को किसी वर्ड के साथ या किसी फ्रेज के साथ जोड़ देती है, एक ऐसे वर्ड के साथ जो कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, और उस वर्ड को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और क्योंकि वो सब्जेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं, इसीलिए उसको हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। लिंकिंग वर्ब को अपने मीनिंग को कम्प्लीट करने के लिए हमेशा ही किसी वर्ड या फ्रेज की आवश्यकता होती है, उसके बिना उस सेंटेंस का मीनिंग कम्प्लीट नहीं होता है। तो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम नाउन, एडजेक्टिव या पार्टिसिपल को यूज करते हैं। तो सम लिंकिंग वर्ब्स आर बी, इज, आर, एम, वॉज, वर, बिकम, लुक, सीम, ग्रो, टेस्ट, अपीयर, फील, गेट, एटसेट्रा। सो एग्जाम्पल से समझते हैं। They are students, वे विद्यार्थी हैं। इसमें are linking verb है, क्योंकि वह subject को means they को एक ऐसे word के साथ जोड़ रही है जो कि हम subject के बारे में हमें बता रहा है कि वो क्या है। तो यहाँ पर वो students हैं, वह विद्यार्थी हैं, तो इसीलिए यहाँ पर subjective complement के रूप में noun को use किया गया है। He looks happy, वह प्रसन्न दिखाई देता है। इसमें look linking verb है, क्योंकि वह subject को एक ऐसे word से जोड़ रही है जो कि subject के बारे में information दे रहा है, means subject को subjective complement से जोड़ रही है। Happy जो कि एक adjective है, यहाँ पर subjective complement के रूप में use हुआ है। So they seem tired, वह थके हुए प्रतीत होते हैं। इसमें seem linking verb है, क्योंकि वह subject को एक ऐसे word से जोड़ रही है जो कि subject के बारे में information दे रहा है। इसमें tired जो कि past participle है, जो कि subjective complement के रूप में use किया जाता है, right? So अब concentrate करते हैं auxiliary verb पे, जो कि helping verb भी जिसे हम कहते हैं। Auxiliary verbs are the verbs that are used to help the main verb to express its meaning in accordance with tense or mood. So auxiliary verb वो verb होती है जो कि main verb के साथ में use की जाती है tense को define करने के लिए या फिर mood को define करने के लिए। ये दो तरह की होती है, primary auxiliary verb और modal auxiliary verb। तो सबसे पहले जानते हैं कि primary auxiliary verb क्या होती है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आती हैं बी की फॉर्म्स, डू की फॉर्म्स और हैव की फॉर्म्स। सो बी की फॉर्म्स हैं मींस इज, आर,
am, was, were या फिर do की forms होती हैं do, does, did and have की forms होती हैं has, have, had. So guys, be, do और have की forms किसी भी sentence में helping verb के रूप में भी use होती हैं और main verb के रूप में भी use की जा सकती हैं. Example से समझते हैं, they are playing, वे खेल रहे हैं. इसमें कार्य हो रहा है खेलने का, तो इसीलिए यहाँ पर प्ले इस सेंटेंस की मेन वर्ब है और आर यहाँ पर यूज हो रहा है टेंस को डिफाइन करने के लिए मेन वर्ब के साथ, तो इसीलिए आर यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब है. एक और लेते हैं, आई हैव फिनिश्ड माय वर्ब, मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है. इसमें फिनिश जो कि सेंटेंस की मेन वर्ब है उसके साथ हैव का यूज किया गया है. हैव इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया गया है और यहाँ पर बता रहा है कि यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, इसीलिए हैव यहाँ पर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है. सो अब देखते हैं कैसे मेन वर्ब के फॉर्म में भी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है. आई हैव अ डॉग, सो इसमें हैव जो है मेन वर्ब है क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कोई और वर्ब इस सेंटेंस के अंदर इसके अलावा नहीं है, इसीलिए हैव यहाँ पर हैव इस सेंटेंस की मेन वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है. आई डू माई वर्क, मैं अपना कार्य करता हूँ, इसमें डू इस सेंटेंस की मेन वर्ब है और यहाँ पर इसके साथ किसी दूसरी वर्ब को यूज नहीं किया गया है, इसीलिए डू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज नहीं किया गया है, ये मेन वर्ब के रूप में यूज की गई है. तो इस तरह से हम देखते हैं कि बी, डू और हैव की फॉर्म को हम मेन वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं. तो अब जानते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं. अ मॉडल वर्ब इज अ वर्ब दैट इज यूज्ड विद द मेन वर्ब टू इंडिकेट मूड और टेंस. तो मॉडल वर्ब्स वो होती हैं जो कि किसी भी सेंटेंस के अंदर टेंस को बताने के लिए या मूड को बताने के लिए मेन वर्ब के साथ यूज की जाती हैं. सो एग्जांपल है कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू, नीड या used to. So, यहाँ ये सब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं. इसमें ought और used इनके साथ to का भी यूज किया जाता है. So, example से समझते हैं, you can jump, तुम कूद सकते हो. तो इसमें jump जो कि मेन वर्ब है उसके साथ can का यूज किया गया है. Can जो कि एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है. फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, इट मे रेन टूडे, आज बारिश हो सकती है. इसमें रेन जो कि मेन वर्ब के तरीके से यूज हुआ है और मे यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जो कि मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर यूज की गई है, मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए यूज की गई है. सो दैट्स ऑल गाइज विद द फाइनाइट वर्ब्स. सो चलो अब हम आते हैं कि अपने ही आज के मॉड्यूल के मेन पार्ट पर जो कि है वोकैबुलरी एक्सरसाइज जो हमारे हर वीडियो के एंड में होता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हमारा वोकैबुलरी वर्ड है श्रूड, मीन्स समझदार, और इसका सेंटेंस में यूज देखते हैं. ही इज ऑलरेडी अ श्रूड पर्सन, ही कैन हैंडल एवरीथिंग, वह पहले से ही एक समझदार इंसान है, वह सब कुछ संभाल सकता है. He is already a shrewd person. He can handle everything. So the second word is slash, means कम करना या कटौती करना. So sentence is prices of petrol have been slashed. Petrol के दाम कम कर दिए गए हैं. Prices of petrol have been slashed. So the third word is stab, means चाकू घोंपना. He has been stabbed in broad daylight. He has been stabbed in broad daylight means उसे दिन दहाड़े चाकू घोंप दिया गया है. Broad daylight means दिन दहाड़े. So stab means चाकू घोंपना. The fourth word is exertion means श्रम, प्रयास या परिश्रम करना, मेहनत करना. I know you are a bodybuilder so you will not need this much exertion to lift up this heavy bag. मुझे पता है कि तुम एक बॉडी बिल्डर हो तो तुम्हें इस भारी से बैग को उठाने के लिए इतने परिश्रम की जरूरत नहीं करनी पड़ेगी. So friends, shrewd means समझदार, slash means कम करना या कटौती करना, stab means चाकू घोंपना, exertion means श्रम, प्रयास या परिश्रम करना. So that's all for today friends. Thank you so much. And मैं अपने वीडियो के description box के अंदर part 1 का link जरूर डालूंगी ताकि इनकेस अगर कुछ भी confusion हो तो आप वहां से भी देख सकते हैं. And this is all for today. Thank you so much. Bye bye and stay tuned.